क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई लेबल्ड एरियाज एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग द प्रोपोर्शन ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो सिर्फ वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, खास ध्यान रखेंगे इसका। एक्स वाई और जेड तीन आपको एरिया दिख रहे होंगे, एक्स वाई एंड जेड। ऑप्शन देखिए, एक्स मैमल, वाई फिशेज, जेड इंसेक्ट। पहली बात तो जहाँ इंसेक्ट है उसको चूज ही नहीं करना है हमें, क्योंकि ये वर्टिब्रेट है ही नहीं। एक्स का एरिया बहुत बड़ा है, वाई और जेड लगभग एक जैसे हैं, वाई थोड़ा सा ज़्यादा है, जेड थोड़ा कम है। तो सबसे बड़ा तो इसमें फिश है, अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व किया। वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी फिशेज की है, यानी एक्स हो गया फिश, और कोई ऑप्शन है नहीं। आँख मूंद के इसे करेक्ट कर लीजिए, वाई मैमल्स एंड जेड रेप्टाइल्स। सो योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बीटा डाइवर्सिटी। इट शोज विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी वेरिएशन आर लिमिटेड। इट शोज डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी, यस बिटवीन द कम्युनिटी। Again, option C is the correct one. Now, the next one is, read the statement, select the correct option. Rate of extinction of organism become rapid in recent years. Statement 2, unplanned human activities like deforestation, industrialization, population explosion, poaching of animals, etc. have destroyed the natural habitat of the plants and एनिमल्स। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट आप इनके बारे में पढ़ते हैं, क्या ए ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट्स वन एंड टू आर ट्रू एंड टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू बट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर फॉल्स। देखिए सी और डी तो गलत है, कि दोनों में से कोई भी एक गलत नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला वाला एकदम सही है कि रेट ऑफ एक्सटेंशन बढ़ गया है। दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी नेचुरल हैबिटेट लॉस हुआ है, लेकिन इस वजह से रेट ऑफ एक्सटेंशन बढ़ गया है ये एग्जैक्टली करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी ऑप्शन बी इज द most appropriate answer. Now select the option that correctly fill in the blanks. Dash category shows sufficient population but is under depletion due to factors favoring risk of extinction in future. Preservation at dash can maintain sperm. Okay. Egg vegetative propagated crops in indefinitely. Project Tiger was launched. अच्छा, तो तीन ऑप्शन है, वन टू थ्री, तीन ब्लैंक्स हैं और यहाँ पे वन टू थ्री बना है। इन चार में से एक हमको चूज कर लेना है। ए ऑप्शन इज एंडेंजर्ड -155°C एंड 1968। यहाँ पे भी वही चीज़ करना चाहिए, जैसे आपको जो चीज़ एकदम कंफर्म हो पहले उसको आप टिक कर लीजिए। तो मुझे कंफर्म है कि ये वल्नरेबल कैटेगरी होती है, सो इट इज़ वल्नरेबल, और प्रिजर्वेशन भी -196°C होता है। ये बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में भी आप देख सकते हैं, ये साफ साफ लिखा है। ये कन्फ्यूज़न था मुझे, लेकिन केवल यही दो ऑप्शन सही हैं इस चारों में से। ठीक है, 196 एंड वल्नरेबल, वल्नरेबल यहाँ भी है पर ये -200°C है। सो नाउ आई एम कन्फर्म कि ये वल्नरेबल -196 के साथ जो तीसरा ऑप्शन है यानी 1973 यही सही होगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सोटिक प्रेडेटरी फिश इंट्रोड्यूस्ड इन द लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका विच एलिमिनेट 200 नेटिव स्पीसीज ऑफ स्मॉल शिशलिड फिश वॉज। तो पहला ऑप्शन है क्लेरियस
बेट्रेकस, दूसरा लेवियो रोहिता, तीसरा लेट्स निलोटिकस एंड पॉम्फ्रेट। तो सबको पता है कि ये सब बहुत ही चर्चित कांड रहा है, लेट्स निलोटिकस। द एनिमल प्रोटेक्टेड इन द डेजर्ट नेशनल पार्क इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चीतल, राइनोसेरस एंड टाइगर। एक्चुअली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शायद आप लोग ने जानते हो, इसको क्या कहते हैं, सोहन चिड़िया। तो सोन चिड़िया एकदम ख़त्म होने के कागार पे हैं और इनका प्रोटेक्शन किया गया है। ये राजस्थान के आसपास इनका ज़्यादा प्रोटेक्शन किया गया है। विच ऑफ द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड ग्रेडियंट पैटर्न ऑफ द डाइवर्सिटी इज इनकरेक्ट। देयर इज अ लिटिल डाइवर्सिटी एट द पोल्स। ये करेक्ट है, पोल पे हमेशा डाइवर्सिटी बहुत कम रहती है। बी, ऑन माउंटेंस डिक्रीज इन स्पीसीज डाइवर्सिटी टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर टू हायर एल्टीट्यूड। ये भी बिल्कुल सही है। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस इन टेम्परेट एरिया बट रीचेज मैक्सिमम एट ट्रॉपिक। बिल्कुल, 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, इसीलिए इंडिया में ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस है, क्योंकि ये 23.5 यानी 23.5 नॉर्थ में है इसका कुछ हिस्सा, और इसलिए यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रीच हो जाती है। देन ये भी सही है, फोर्थ वाला, ग्रेटर सीजनल वेरिएबिलिटी एंड फॉल इन टेम्परेचर लीड टू द रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी एंड 500 मीटर इंक्रीज इन एल्टीट्यूड लीड्स टू द टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस। ये तो बिल्कुल गलत है, सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।